हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय रिश्तेदारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। देर आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है लेट नाइट थॉट्स। आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या उनके दिल में आज आपके लिए फीलिंग्स है? हस्बैंड हो, वाइफ हो, सोलमेट हो, ट्विन हो, क्रश हो, लवर हो, या आपके एक्स हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी हो डियर, जिनके बारे में भी सोच रहे हो, वो क्या आपसे बात करना चाहते हैं? क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है? क्या इमोशंस है? उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है? लेट नाइट थॉट्स। चलिए रिलैक्स हो जाइए, इंटेंशन सही रखिए। नहीं, इंटेंशन सही रखना है, पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग जरूर करनी है आप सबको, ठीक है? खुद पर विश्वास, गॉड पर विश्वास, ठीक है? इंटेंशन सही रहेगा तो सब कुछ सही होगा, लेकिन इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेट नाइट आपके, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स, काफी इमेजिन कर रहे व्यूअर्स। टू ऑफ कप्स, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, ऐसी एनर्जी है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार इमोशंस यहाँ बहुत स्ट्रांग दिख रहा। रिश्ते में आपने क्या कुछ दिया है उनके बारे में सोच रहे हैं। जस्ट प्लीज गाइड करें। और किसी वजह से ईगो भी दिखाई दे रहा, किंग ऑफ कप्स। द हाई प्रिस्टेस, क्यों आई एंजल्स? स्ट्रांग कोई फीमेल है डियर, ठीक है? माय गॉड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कंफ्यूज है तो पेनफुल सिचुएशन दिखाई दे रहा। साइन बता देती हूँ, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क और वृश्चिक, लिब्रा, एक्रोस, जेमिनाई, तुला, कुंभ और मिथुन, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? साइन जिनके या पार्टनर की या फिर आपके हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यूअर्स जी, पहली बात कि आपके पार्टनर या मैरिड हैं या अनमैरिड है, यहाँ मैरिड भी है, यहाँ पे आपके पार्टनर द हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कमिटेड हो सकते हैं, जहाँ पे आपके पर्सन की ट्रेडिशनल वे में मैरिज भी हुई है, या ये पहले से मैरिड है, या फिर हो सकता है आप दोनों में बात चल रही है मैरिज को लेकर। लेकिन देखिए, आज रात आपके पार्टनर काफी गहरी सोच में है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि आपसे पहले भी इनके रिश्ते हैं, ठीक है? और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आपके लिए इमोशंस स्ट्रांग है, आप लोग में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे फीमेल एनर्जी आ चुकी है। कहीं ना कहीं किसी फीमेल के वजह से ये थोड़ा परेशान है, ठीक है? देखिए, हो सकता है कि वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा नहीं कि जो भी है उनके लाइफ में कोई फीमेल है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स एज गैप भी हो सकता है और कुछ के लिए नहीं भी हो सकता है, बट जो भी ये फीमेल है बहुत दिमाग से काम करती है, जो भी है वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करती है, अपने पावर को फॉलो करती है, अपने मैनिपुलेटिंग जो थॉट्स है उनको बहुत यूज करती हैं, आपके पार्टनर को कंट्रोल करती है, किसी तरह का मैनिपुलेट भी करती हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनको धोखा और चीट मिला, बैक स्टेप मिल रहा है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, ठीक है? लेकिन ये थर्ड पार्टी को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कमिटेड भी यहां दिखाई दे रहे हैं, या उनकी कमिटमेंट हो गई है, या फिर हो सकता है आपसे पहले किसी और रिलेशनशिप में थे जो इनको अब कंट्रोल कर रही है, ठीक है? यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है कि आपको ऐसा शो करें कि मेरे में ईगो बहुत है, गुस्सा बहुत है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं, बट ऐसा नहीं है, वो शो कर रहे हैं,
बहुत डीप थिंकिंग है आपको लेकर, गहरी सोच में है। यहाँ पे गहरी सोच ये है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत अच्छे वक्त मिला बिताए हैं, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप आप दोनों का था, ठीक है। ये मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, ठीक है, कमिटेड है सबके लिए। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत गहरी सोच में है, क्योंकि वो चाह कर भी ना आपको वो औहदा, वो रिस्पेक्ट सोसाइटी समाज के सामने नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल इन्हें किया जा रहा है, मैनुपलेट इन्हें किया जा रहा है। और ये फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर को ऐसा शो करती हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, पैम्पर करती हैं, ख्याल रखती है, जबकि हाँ ऐसी है कि मैनुपलेटिंग है, लेकिन आपके पार्टनर को वो कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करते हैं, पैम्पर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, अपने से खुद से दूर नहीं करना चाहते, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सोर्स का सहारा क्यों ना लेना पड़े, लीगल इशू का सहारा क्यों ना लेना पड़े। तो कुछ इयर्स हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में लीगल इशू चल रहा है, या फिर उनके रिश्ते में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आ गए हैं जहां लीगल इशू भी चल रहा, ठीक है। और ये पर्सन डिसीजन लेना भी चाहते हैं, लेकिन सच बात देखिए तो इनका भाग्य साथ नहीं दे रहा। जब ये पर्सन चेंज लाना चाहते, ऑफर करना चाहते, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते, आपसे मैरिज भी चाहते, आपके साथ रहना भी चाहते, ठीक है, लेकिन सही गलत का इनके अंदर जो है डिसीजन लेने की पावर नहीं है। इनके अंदर मन में डर बहुत है डियर, चाहे फीमेल के वजह से हो या आपके वजह से, लेकिन इस डर में ये पर्सन जी रहे हैं। अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं, आपको मैसेज भी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो होता है टेलीपैथी होता है, उस तरह से आपको ये पर्सन मैसेज दे रहे हैं कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये मजबूर हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से निकलना आप समझ सकते हो कि एक तो वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा, और ये कहना भी चाहते हैं कि सच में मैंने माना है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, भले ही मैं ईगो से डील करता हूं, मैं जिद्दी हूं, मैं जैसा भी हूं, बट मुझे आज पता चला कि जिंदगी भी इतनी आसान नहीं होती जितनी मैं अपने आप को, अपने ईगो को समझता था या समझती थी। लेकिन जो भी हो, आपके लिए उनका अटेंशन परफेक्ट है, लेकिन इनको कोई बैक स्टेप करा, इनकी फीलिंग से खिलवाड़ करा है। ये इनकी जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं अच्छी ऑफिसर हो सकते हैं, मतलब ये इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी अच्छे पोजीशन पे, लीडर, जज हुआ, वकील हुआ, या फिर हो सकता है ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, या फिर मुझे प्रोफेसर, मतलब पोजीशन अच्छी दिख रही है, या फिर हो सकता है इनकी गवर्नमेंट जॉब भी हो, अच्छे पोस्ट पे हो, जहां ये कंट्रोल तो करते, अपनी पावर का भी इनके अंदर घमंड और ईगो बहुत है। तो देखिए डियर, यहाँ लेट नाइट थॉट्स की जो एनर्जी है आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए इमोशंस है, लेकिन आप चाहोगे इमोशंस शेयर करने के लिए थोड़ा ये वक्त लगाएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है डियर कि या उन्हें आपको वो धोखा दे रहे, आप ऐसा उनके बारे में फील कर रहे हो, या उनके साथ इन लोग, ये जो भी फीमेल है, इनके साथ बैक स्टेप धोखा और चीट कर, क्योंकि इनके फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे। हो सकता है इनको धमकी भी दी जा रही है, कंट्रोल भी किया जा रहा है, मैनुपलेट भी किया जा रहा है, लेकिन इनके मन में डर है व्यूअर्स, ये जो कमजोर होते जा रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ पावर जो वीक होती जा रही है, इनको लग रहा है मैं कितना इंतजार कर रहा हूं, ये ऑफर करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये रियूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपकी गहरी सोच में है, इवन कि आपसे बात भी करें या फोटो से बात करें या पुराने वक्त को ये याद कर रहे हैं, अच्छे मोमेंट को वो याद कर रहे हैं कि आपने अच्छे रिश्ते को निभाए हैं, बखूबी आपके साथ खुलकर इन्होंने प्यार किया है, आप दोनों ने एक दूसरे को समझा है। तो ये पर्सन इस वक्त मैं देखना चाहूंगी कि बहुत खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये आपको शो कर रहे हैं कि ये जिद्दी हैं, ये ईगोइस्टिक हैं, बट ऐसा नहीं है, ये इनका स्वभाव है जो ऐसा शो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो ये कंट्रोल जो भी कर रहा है इनको, जो भी पेन दे रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जो आपके तरफ से आने से रोकता है, वो है स्ट्रांग फीमेल। लेकिन आपके लिए उनके दिल में प्यार है, आपसे रियूनियन चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे, बातें करें, पुराने वक्त को ये याद कर रहे हैं। देखा जाए तो इस वक्त सच में देखिए इशारा ये कर रहा है यहाँ पे एनर्जी कि ये पर्सन के मन में आपके लिए ख्याल बार बार आ रहे हैं, मिस बार बार कर रहे हैं आपको, लेकिन सही और गलत का ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन टू ऑफ कप्स कहता है कि आप उनकी जिंदगी हो, आप उनके सोलमेट हो, आपसे उन्हें बहुत अच्छी वाइब्स आती है, और ये इक्वल वाला फीलिंग्स है। बहुत व्यूअर्स हो सकता है कि आप
इक्वल वाली जो एनर्जी है, सोच बहुत रहे हो लेट नाइट रात में, और आप उनके फोटो से बात कर रहे हो, उनको इमेजिन कर रहे हो, उनको फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है टेलीपैथी आप उनको मैसेज दे रहे हो, या उनके फोटो को जूम कर कर देख रहे हो, या फिर हो सकता है उनको प्यार, इमोशंस, रोमांस, चाहत भी आप सेंड कर रहे हो। तो इस रिश्ते में कुछ व्यूअर्स इक्वल में यहाँ देख पा रही दोनों की फीलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोच बहुत रहे हैं और रीयूनियन भी चाहते हैं, अपने मन के पावर को बढ़ाने की कोशिश कर, लेकिन हर हाल में डियर इनको कंट्रोल किया जा रहा है। ये काफी सोच रहे हैं लेकिन आपसे ये जुड़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है बट ये आपसे प्यार करते हैं। बस ये कहना चाहते हैं कि इनके इशारे को समझिए, इनकी फीलिंग्स को समझिए, आप कौन हो, क्या हो, ये सिर्फ इनकी रूह अंतर आत्मा जानती है। बहुत ही स्पेशल हो आप, बहुत ही स्पेशल, बहुत ज्यादा, जिसका कोई जवाब नहीं। इस वक्त इनको सच पूछिए तो यहां फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, प्यार और आपकी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन मजबूर हैं। ऑफर करने की तो सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कीजिए, उनको स्ट्रेंथ इकट्ठा करने दीजिए, आप उनके लिए एनर्जी सेंड कीजिए, हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, वो आपके तरफ रियूनियन में भी आएंगे। गहरी सोच में है, पेन में है, लेकिन किसी के कंट्रोल करने से इनको ऐसा भी लग रहा है डियर कि शायद आप उनको समझ रहे हो उनके बारे में कि आपको उन्होंने धोखा और चीट किया, बैकस्टेप किया, बट ऐसा नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। कोई फीमेल इनको बैकस्टेप करिए, मैनिपुलेट करिए, कंट्रोल कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आना चाहते हैं। अगर आपसे मैरिज नहीं हुई है तो ये आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।